get on together. Hello friends, Mayapuri Newsreel के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है. मैं हुशाद. आइए देखते हैं इस हफ्ते की एंटरटेनमेंट न्यूज फटाफट. सेंसर में फंस सकती है फिल्म संजू. फिल्म संजू में शराबखोरी और ड्रग्स वाले कई सीन्स पर सेंसर की कैची चल सकती है. ये फिल्म 20 जून के आसपास सेंसर बोर्ड को दिखाई जाएगी. शराब, ड्रग्स और महिलाओं को लेकर कई सीन सेंसर बोर्ड के स्कैनर में आ सकते हैं. शाहरुख को सैल्यूट करेगी करीना. शाहरुख खान की फिल्म सैल्यूट की हीरोइन के तौर पर करीना कपूर का नाम फाइनल हो गया है. इस रेस में करीना के अलावा दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, जैकलिन फर्नांडिस का नाम था, लेकिन बाजी करीना के हाथ लगी है. सट्टे की आदत से परेशान सलमान. अरबाज खान ने पुलिस पूछताछ में आईपीएल में सट्टेबाजी की बात कबूल कर ली है. सलमान भी अपने भाई की इस आदत से काफी परेशान थे. एक बार तो सलमान को इतना गुस्सा आया कि उन्हें थप्पड़ लगाने के लिए उठ खड़े हुए. पांड्या का हार्दिक ब्रेकअप. हार्दिक पांड्या और अली अब्राम कुछ महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है. पांड्या का दिल बॉलीवुड की एक नई एक्ट्रेस पर आ गया है, जिसकी वजह से एली ने उनसे दूरियां बना ली है. हेलो के कवर पेज पर सलमान. सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस की जोड़ी पहली बार हेलो पत्रिका के कवर पेज पर नजर आई है. हेलो के जून महीने के अंक में रेस की जोड़ी देखने को मिल रही है. दोनों ही काले रंगों के परिधान में खूब फब रहे हैं. रोड सेफ्टी करेंगे अक्षय. अक्षय कुमार सड़क परिवहन मंत्रालय के सड़क सुरक्षा अभियान का प्रचार करेंगे. अक्षय ने ट्वीट किया, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ जुड़कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. बिग बॉस 12 होगा सबसे बोल्ड. बिग बॉस का नया सीजन भी कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है. एक ही सेक्स के कपिल भी शो में नजर आ सकते हैं. गे और लेस्बियन कपिल को भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके अलावा एडल्ट स्टार की खोज भी की जा रही है. सट्टेबाजी में अरबाज के बाद साजिद. अरबाज ने भुक्की सोनू जालान की मदद से सट्टेबाजी करने की बात कबूली थी. सट्टेबाजी केस में गिरफ्तार भुक्की सोनू जालान ने डायरेक्टर साजिद खान का नाम लिया. उसने कहा कि 7 साल पहले साजिद क्रिकेट मैचों में सट्टा लगाते थे. मोदी के किरदार में परेश रावल. बॉलीवुड में इन दिनों एक खास बायोपिक काफी चर्चा में है. भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर फिल्म बनने की तैयारी चल रही है. इस बात का खुलासा खुद बीजेपी सांसद और एक्टर परेश रावल ने किया. बिटकॉइन घोटाले में फंसे राज कुंद्रा. बिटकॉइन घोटाले में ईडी ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को समन किया है. इसी मामले में मेन आरोपी अमित भारद्वाज को पुणे से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ईडी ने राज को भी समन किया है. हैदराबाद पहुंची सिम्बा की टीम. फिल्म सिम्बा की शूटिंग के लिए रणवीर सिंह और सारा अली खान हैदराबाद पहुंच गए हैं. सिम्बा की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होगी. इस फिल्म में पहली बार सारा और रणवीर की जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी. बॉक्सर बने शाहिद कपूर. शाहिद कपूर राजा कृष्ण मेनन की नई फिल्म को इस साल के अंत तक शुरू कर देंगे. फिल्म के लिए शाहिद 3 महीने की जबरदस्त ट्रेनिंग से गुजरेंगे, ताकि वो अपने आप को एक प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में तैयार कर सके. इश्क सुभान अल्लाह में रुखसार की शादी. इश्क सुभान अल्लाह टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल है. अदनान खान, ईशा सिंह, विशेष शर्मा और अन्य कलाकार सीरियल में हल्दी का सीन शूट कर रहे थे. हल्दी का सीन कबीर के घर पे शूट हो रहा है. सिडनी फिल्म फेस्टिवल में मंटो. नंदिता दास की फिल्म मंटो, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मंटो के रूप में है, इस फिल्म को सिडनी फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा. मंटो एक ऐतिहासिक काल की ड्रामा फिल्म है, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय अपने लेखन के लिए जाना जाता है. अनूप जलोटा को भूल ना पाओगे. नया एल्बम भुला नहीं देना को लॉन्च किया जाने माने गजल गायक तलत अजीज ने. इस म्यूजिक वीडियो का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की है अशोक मेहता ने. म्यूजिक दिया है उमेश मेहरा ने और गाया है अनूप जलोटा और रीमा मेहता ने. फर्स्ट इनविटेशन गणेश जी को. आकाश अंबानी की सगाई 30 जून को मुंबई में होगी. वो जल्द श्लोका मेहता से शादी के बंधन में बंधेंगे. नीता अंबानी अपने बेटे की सगाई का न्योता देने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची. उनके साथ उनके छोटे बेटे अनंत भी थे. कोहली का विराट स्टैचू. दिल्ली के मैडम तुसाद में अब विराट कोहली का भी स्टैचू शामिल हो चुका है. विराट का फिगर उनके सिग्नेचर बैटिंग पोज में बनाया गया है. विराट के फैन अब उनके फिगर को म्यूजियम में जाके देख सकते हैं और फोटो भी ले सकते हैं. रणबीर की एक्टिंग से खुश नहीं सलमान. सलमान खान ने कहा, मैंने फिल्म संजू का ट्रेलर देखा है. मुझे लगता है कि संजू के बीते 8-10 सालों वाला किरदार खुद उन्हें ही निभाना चाहिए था. रणबीर ने लिया नया घर.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस साल 19 नवंबर को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। उनकी शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब रणवीर ने बांद्रा के श्री अपार्टमेंट्स में नया घर ले लिया है, जहां वो शादी के बाद दीपिका के साथ रहेंगे। मायापुरी न्यूज़ रील के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए मायापुरी का।